गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लेसन नंबर वन फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कड सो मेनी टॉपिक एंड टूडे वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक दैट इज एनिमल प्रोडक्ट एज फूड हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे हेल्थ का पढ़ा था फंक्शंस ऑफ फूड पढ़े थे हमने राइट right कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं राइट right? इसके अलावा हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में कि प्लांट से भी फूड ऑप्टेन किया जाता है और एनिमल से भी हम अपना फूड ऑप्टेन करते हैं तो प्लांट्स के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और उनसे हम कौन कौन से प्रोडक्ट उनसे हम लेते हैं यानी उनके कौन, -कौन कौन कौन से एनिमल से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं राइट तो फर्स्ट आपका आता है एनिमल्स जो होते हैं एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दे यील्ड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स अब सभी ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल्स जो हैं वो मीट के लिए यूज किए जाते हैं या सारे एनिमल्स से उनका मिल्क मिलता है तो ये जो एनिमल्स हैं इनको भी कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दे यील्ड राइट सबसे पहले आता है मिल्क अब मिल्क के लिए कौन कौन से आ, एनिमल होते हैं काओ का मिल्क यूज़ किया जाता है बफेलो का किया जाता है ये जो है टॉप मोस्ट लिस्ट में होते हैं मिल्क एनिमल्स में जिनको सबसे पहले ही इनका जो मिल्क यूज़ किया जाता है इसके अलावा गॉट और कैमिल का भी यूज़ किया जाता है राइट और जनरली जो बफेलो का मिल्क होता है वो डेयरी प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है सेकेंड आप कहता है मीट मीट कुछ ही एनिमल्स होते हैं जिनका मीट जो है यूज किया जाता है जैसे गॉट है चिकन है फिश है ये सारे एनिमल्स जो होते हैं मीट ऑफ द एनिमल्स सच एज गॉट चिकन एंड फिश इज रिटन बाय ह्यूमन बींग्स इसके बाद आता है एग्स ये सब क्या है प्रोडक्ट हैं जिनके बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया हुआ है एग जो है किस किस के एग को यूज किया जाता है हैन डक टर्की ये सब पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं राइट अब आता है हमारा मेराइन फूड स्टूडेंट मेराइन से मतलब होता है सी से कोस्टल एरिया में जो फूड मिलता है अब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली लिविंग इन कोस्टल रीजन फुली डिपेंड ऑन फिश एज देयर मेन फूड सोर्स वहाँ पर इस तरह से प्लांट्स नहीं होते या और कोई एनिमल्स वहाँ पर नहीं मिलते तो वहाँ पर फिश को जो है मेनली वो सोर्स ऑफ फूड होते हैं वहाँ के लोगों के लिए राइट right? जो भी कोस्टल रीजन में रहते हैं यानि समुद्र के आस के जो लोग हो जहाँ पर रहते हैं कोस्टल क्या है समुद्र के आसपास का इलाका वहाँ पर रहने वाले लोग फिश को मेनली खाते हैं राइट इसके अलावा प्रॉन शेम्स क्रैप्स ये भी मराइल फूड के जो है सोर्सेज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ फिशेज जो है रिवर चीज में जो मिलती हैं वहाँ वो भी सोर्स ऑफ फूड होती हैं अब स्टूडेंट दो टॉपिक आते हैं एक आता है पीसी कल्चर और एक आता है एपीकल्चर सबसे पहले मैं आपको पीसी कल्चर क्लियर करूंगी कि व्हाट इज पीसी कल्चर स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पीसी कल्चर और कल्चर पीसी कल्चर को फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम पीसी कल्चर क्या होता है रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पीसी कल्चर बहुत ही बड़े स्केल पर फिशेज को पाला जाता है और उनको आगे यूज किया जाता है वो जो है रेयरिंग और मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पीसीकल्चर सेकेंड आपका एपीकल्चर आता है जो मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ राइट तो पीसी आपको क्लियर हो गया कि फिशीज का जो लार्ज स्केल पर रेयरिंग और मैनेजमेंट होता है उसको हम पीसीकल्चर कहते हैं इसके अलावा फूड कैन बी ऑप्टेन इवन फ्रॉम इंसेक्ट्स इंसेक्ट से भी हमें बहुत कुछ मिलता है कैसे जैसे आपने हनी भी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच इंसेक्ट विच कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लार एंड कन्वर्ट इंड इन टू हनी जो हनी भी होते हैं वो क्या करते हैं फ्लावर के नेक्टर्स को कन्वर्ट कर देते हैं हनी में और वो हनी जो शहद आप खाते हैं बहुत मीठा होता है उसको फूड की तरह भी यूज किया जाता है मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है राइट और नरिशमेंट के लिए भी यूज करते हैं साथ ही साथ ये एंटीसेप्टिक का काम भी करता है हनी तो एप्रीकल्चर जो मैंने अभी आपको सेकेंड टॉपिक बोला कि एप्रीकल्चर और पीसी कल्चर डिफाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्सर आपसे पूछे जाते हैं बड़ी हायर क्लासेस तक जब आप एट नाइन्थ में भी आ जाएंगे तब भी आपसे पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज पीसीकल्चर एंड व्हाट इज एप्रीकल्चर एपीकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ हनी बी ऑफ एट लार्ज स्केल जहां पर हनी बीज को बहुत बड़े स्केल पर उनको जो है पाला जाता है रेयरिंग किया जाता है और उसके बाद उनको यूज किया जाता है राइट right? तो वो जो है एप्रीकल्चर होता है अब वट एवर वी ईट फ्रॉम आदर फ्रॉम ऑल द प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स ठीक है अब आती है बात फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स कौन कौन से किस तरह से उनमें फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को डिवाइड कर देते हैं प्लांट्स यानी एनिमल्स है देर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड जैसे कि हमने पहले भी आपको मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड हैं हम अपना खाना कुछ सिंथेसाइज़ नहीं कर सकते वहीं पर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्यों कहते हैं प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स का मतलब कौन प्रोड्यूस करने वाला है ना तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर देअर ओन फूड विद देल्प ऑफ एयर एयर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल एंड सनलाइट यानी कि प्लांट्स स्पेशली ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है ग्रीन प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट ही क्यों क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल होता है वो एयर की वॉटर की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में और साथ में क्लोरोफिल इन सभी चीज़ों की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथिस करते हैं जिस प्रोसेस में वो खाना अपना खुद तैयार करते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वो अपना फूड खुद बना सकते हैं तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं ओके तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं तो आप आंसर दे सकते हैं ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स राइट एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर फॉर देयर फूड देयर फोर दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं

इसमें कैसे सबसे पहले आपका आता है बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है एनिमल्स को फर्स्ट इज हर्बी वोर हर्बी का मतलब प्लांट और वोर मतलब ईटर यानी कि जो प्लांट्स को खाने वाले होते हैं ठीक है अब प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं हर्बी वोर्स जैसे कि एग्जाम्पल है आपका बफेलो काउ गॉड डियर हॉर्स आर सम हर्बीवोड्स एनिमल्स दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट बैक इनके टीथ्स के बारे में बताया गया है कि हर्बीव प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं वो उनके शार्प कटिंग टीथ होते हैं फ्रंट में और ग्राइंडिंग जिनसे चबाया जाता है वो बैक में होते हैं उनके राइट right. सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट हरबी है अफ्रीकन एलिफेंट अब इसके बाद आता है कार्निवोर ये सभी ये सारे जो फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है ये आप क्लास थर्ड फोर से पढ़ते आ रहे हैं राइट right. कार्निवोर्स होते हैं द एनिमल्स हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स इसका एग्जाम्पल है लॉयन टाइगर वुल्फ स्नेक पल्चर ये सब इसके एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश ही खाते हैं राइट ओमनी वोड्स कार्नी का मतलब मीट होता है वोर का मतलब ईटर होता है यानी कि जो मीट को खाते हैं इनके जो है आपका अब आप आता है इनमें कैसे टीथ्स होते हैं जैसे अभी हमने हर्बी के टीथ की बात करी थी तो इनके जो टीथ्स होते हैं शार्प होते हैं ताकि वो फ्लैश को फाड़ सके बहुत नुकीले होते हैं राइट आपने लॉयन वगैरह के देखे होंगे टीथ आगे के जो सामने के जो टीथ होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं क्योंकि ताकि उसको फ्लैश को काट फाड़ सके टीयर कर सकें थर्ड आता है ओमनी वोड्स ओमनी का मतलब ऑल वोर का मतलब ईटर जो सब कुछ खा सकते हैं सब कुछ से मतलब प्लांट्स भी खा सकते हैं एनिमल्स भी खा सकते हैं हम भी ओमनी में आते हैं ह्यूमन बींग्स क्योंकि हम प्लांट्स भी खा लेते हैं और जो है फ्लैश भी खा लेते हैं तो एनिमल्स बीच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स एनिमल्स कॉकरोच, ह्यूमन बींग डॉग ये सब ओमनिवर्स एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं राइट right? इनके जो सम समिवर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स देर टीथ आर मॉडिफाइड अकॉर्डली अकॉर्डिंगली एंड फोर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं फर्स्ट आता है इंसीज़र टू कट फूड प्रीमोलार एंड मोलार टू ग्राइंड फूड कैन टू टीयर फूड चार तरह के टीथ्स जो है ओमनीस में मिलते हैं एक होते हैं इंसीजर जो फूड को कट करने के लिए यूज होते हैं सेकेंड होता है प्रीमोलार एंड मोलर जो फूड को ग्राइंड करते हैं चबा दबा मतलब ग्राइंड कर देते हैं बिल्कुल चूरा बनाना जैसे कहते हैं और कैनाइन जो टीयर करते हैं फाड़ने के लिए का, काटे नहीं फाड़ने राइट कट करने के लिए इंसीजर कैनाइन हो गया टीयर के लिए तो इस तरह से फोर टाइप के टीथ्स जो है वो पाए जाते हैं दिस टाइप ऑफ डेंटिशन ऑलो अलाउ ओमनिवोर्स टू ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है ये दोनों ये सभी तरह के जितने भी जो आपको जितने भी टाइप के आपको टीथ्स के बारे में डिस्कस किया गया है ये क्या करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाने के लिए होते हैं राइट अब कुछ कार्निवोर और ऑमनिवल्स होते हैं जिनको कि हम स्केवेंजर्स कहते हैं बिकॉज दे मेनली कंज्यूम डिकेंग बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा कभी आ, कहीं अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि बहुत सारी कहीं डेड डेड कोई डिकेंग बॉडी पार्ट पड़ा होता है तो वहां पर बहुत सारे आपका वल्चर आ जाते हैं क्रो आ जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि ये स्केवेंजर्स हैं स्केवेंजर्स कौन होते हैं जो डिकेंग बॉडी को कंज्यूम करते हैं इसीलिए इनको नेचुरल स्वीपर्स कहा जाता है क्योंकि ये उनको एन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं वो खा लेते हैं तो वो सारा एन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है जो गंदा डेड डिगेइंग बॉडी पार्ट्स पड़े होते हैं वो सबको ये खा लेते हैं राइट right? तो स्केवेंजर्स क्या होते हैं कुछ सम कार्वर्स और ओमनीवर्स आर नोन एज स्केवेंजर्स और क्या करते हैं ये दे मेनली कंज्यूम डिगेइंग बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प टू क्लीव द एनवायरमेंट राइट इसीलिए इनको क्या कहा जाता है नेचुरल स्वीपर्स ऑफ द एनवायरमेंट स्वीपर कौन होते हैं साफ करने वाले राइट right? अब आता है देर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर लिविंग थिंग्स इन नेचर दैट फीड ऑन डेड एंड डिगइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं माइक्रो से मतलब होता है छोटे और ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जो दिखाई भी नहीं देते हमें वो हमारे नेचर में होते हैं और वो कहाँ फीड करते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स में अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है फंगस बैक्टीरिया ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं और इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं दे रिटर्न द न्यूट्रिय बैक टू द एनवायरमेंट ये डिकम्पोज कर देते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल्स के पार्ट्स को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज कर देते हैं राइट right? डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को इसके अलावा कुछ जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों की बॉडी पर रहते हैं उनको चाहे वो एनिमल्स पे डिपेंड है चाहे वो प्लांट्स में इसके एग्जाम्पल्स में आपका आता है टेपॉम राइट और भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि आ, लाइस जो आपके बालों में मिलती है जू जिसे आप कहते हैं राइट वो भी एग्जाम्पल पैरासाइट की होती है क्योंकि पैरासाइट क्या होते हैं दूसरे अपने होस्ट की बॉडी में रहते हैं होस्ट यानी जिसकी वो बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड है राइट वो पैरासाइट्स होते हैं तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा थैंक यू